का स्वागत है बुलेटिन की तमाम खबरों के साथ। मैं मनीष राजपूत। टीजीआरएस समूह के माध्यम से भोपाल के ओल्ड कैंपियन मैदान में 24वां राज्य स्तरीय आईईएस इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट आज से आयोजित किया जा रहा है। इसमें कुल 50 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें से 12 टीमें लीग मुकाबले खेलेंगी जबकि 32 टीमें नॉकआउट मैच खेलेंगी। शेष 8 टीम कॉर्पोरेट वर्ग की होगी। प्रतियोगिता में प्रत्येक मैच 20-20 ओवर के खेले जाएंगे। मैच का उद्घाटन खेल मंत्री जीतू पटवारी और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कर दिया है। बता दें कि इस खेल में जो भी टीम जीतेगी उसे 1,00,000 रुपए के नगद पुरस्कार और चमचमाती ट्रॉफी भेंट की जाएगी, जबकि उप विजेता की टीम को 50,000 रुपए मिलेंगे। नॉकआउट और कॉर्पोरेट वर्ग के विजेताओं को भी आकर्षक पुरस्कार भेंट किए जाएंगे। हमारे परिवार के सदस्य हैं, युवा साथियों को बहुत मोटिवेट करते हैं सुबह साइकिलिंग के लिए। ये अपना पूरा विधानसभा क्षेत्र जितना भी है, ये रोज सुबह साइकिल से निकलते हैं 6:30 बजे और 9:30 बजे तक पूरा विधानसभा क्षेत्र ये साइकिल से ही घूमते हैं। और जितने भी लोग इनको मिलते हैं उनको मोटिवेट भी करते हैं कि सुबह हेल्थ के लिए उन्हें कॉन्शियस होना चाहिए। मैं उसके लिए उनको तहे दिल से बधाई देता हूँ कि जीतू भाई आप इसी तरीके से हमारे यूथ को इसी तरह मोटिवेट करते रहें। और आप सब लोगों से मेरा बस यही है कि इस खेल जो इतने सालों से होता आ रहा है, इसको बड़ी खेल भावना के साथ खेलें। हार जीत होती रहती है, एक हारेगा तभी तो दूसरा जीतेगा, अगर हारेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। तो इसलिए उस खेल भावना का परिचय देते हुए सब लोग अपना अपना 100% देने की कोशिश करें। और प्राइज मनी की बात कर रहे थे तो वो प्राइज मनी मैंने इसलिए भी रखी थी कि जब मुझे मालूम पड़ा कि आखिर में जो भी टीम जीतती है उसको भोज देना पड़ता है और धीरे धीरे उस भोज के लिए मेंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि कम से कम वो बेचारा उसे काफी उनको सपोर्ट हो गया। और एक खेलने के लिए भी एक सबके मन में आएगा कि नहीं हमें वो प्राइज मनी जीतना है। मेरे सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेष हैं कि सब अपना अच्छे से इस टूर्नामेंट में जिस तरीके से योगदान देते हैं वो भी दें और